रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। नुमैराज किचन में खुश आमदीद। नुमैराज किचन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अपने फीडबैक से ज़रूर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं और आप लोग ट्राई करें। अच्छा, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन जल फ्रेज़ी। तो उसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। ये हमारे पास चिकन है 1 kg, 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं जिसको हमने भी फाइनली चॉप कर लिया है, ठीक है। 2 टोमेटोज हैं, ठीक है। शिमला मिर्च है थोड़ी सी इस तरह से कटी हुई स्क्वायर में। हरी मिर्चें हैं, थोड़ा टमाटर इस शेप में कटा हुआ है। एक प्याज है छोटी सी। अच्छा, पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, ये 1.5 टी स्पून। काली मिर्च है 1.5 टी स्पून। 1.5 टी स्पून नमक है और गरम मसाला है 1.5 टी स्पून। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, ये हमने ऑयल लिया था 1/4 कप, गरम हो चुका है। अब इसके अंदर हम चिकन डाल देंगे। टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और ये हमारे पास है जो हमने प्याज चॉप की हुई थी बारीक वाली, वो डाल देंगे और इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे। अच्छा, ये देखिए हमने इसमें प्याज और लहसुन अदरक और चिकन डाल दिया। अब इसको हम पकाएंगे थोड़ी देर, उसके बाद फिर बाकी के मसाले डालेंगे। अच्छा, ये हमने लहसुन अदरक और प्याज और चिकन डाल दिया, हमने इसको पकाया था। देखिए अब ये कलर इसका चेंज हो गया। अब हम बाकी के मसाले डालेंगे इसमें। तो टमाटर चले गए, किसी भी लाल मिर्चें, गरम मसाला, काली मिर्च और नमक। इसको हम पकाएंगे 15-20 मिनट के लिए ढक के हल्की आंच पर, तब तक ये चिकन टेंडर ना हो जाए, ठीक है। पानी वगैरह कुछ नहीं जाएगा, बस इसको पकाएंगे। ओके, इसको हम लो फ्लेम पे पकाएंगे। अच्छा जी, ये हमारे जो टमाटर वगैरह थे सब पक गए हैं। तो अब जो हमारे पास ये हरी मिर्चें हैं थोड़ी सी मैंने काट दी हैं, कुछ साबुत हैं, शिमला मिर्च है, प्याज है और टमाटर है, ये सारी चीज़ें चली जाएंगी और अदरक भी है इसमें। अच्छा, फिर अब हमारे एक चीज़ और है, एक इंग्रेडिएंट मैं बताना भूल गई थी, सिरका, वेनेगर, वाइट वेनेगर। ये 4 टेबल स्पून जो है हमने वाइट विनेगर डाल दिया, इसको हम मिक्स कर देंगे। अब इसको हम जो है वो 5 मिनट के लिए, 5 से 7 मिनट के लिए बस दम पे रखेंगे, ज़्यादा देर पकाएंगे नहीं। और ये हमारे चिकन जल फ्रेज़ी रेडी है। ये आप जो है वो फ्राइड राइस के साथ खा सकते हैं। अच्छा, ये हमें ना 5 से 7 मिनट के लिए हम इसको बिल्कुल हल्की आंच पे ना दम पे रखेंगे, ज़्यादा देर इसको पकाना नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारा चिकन जल फ्रेज़ी रेडी हो गया। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। अच्छा जी, हमारे चिकन जल फ्रेज़ी तैयार हो गई है। इसको आप प्लेन बॉयल राइस के साथ खा सकते हैं, फ्राइड राइस के साथ खा सकते हैं, गार्लिक फ्राइड राइस के साथ खा सकते हैं, काफ़ी चीज़ों के साथ खा सकते हैं और ये बहुत टेस्टी होती है। अच्छा, रेसिपी पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
स्टे होम स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।